धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की नगरी काशी पूरी दुनिया में यहाँ के मंदिरों और माँ गंगा की अविरल धारा के लिए प्रसिद्ध है। बाबा काशी विश्वनाथ की ये नगरी अब पूरी दुनिया में भोलेनाथ के प्रतीक रुद्राक्ष के लिए भी जानी जाएगी। भारत और जापान के मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारस को एक नई पहचान देगा। स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी से विकसित हो रहे वाराणसी के लोग यहां आयोजित अनेक प्रकार के कला और साहित्यिक गतिविधियों के साक्षी बन सकेंगे। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र भारत और जापान के अद्भुत निर्माण शैली और वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। शिव की नगरी में 186 करोड़ की लागत से तैयार ये केंद्र शिवलिंग के आकार में निर्मित है। साथ ही इसके ऊपरी हिस्से में एल्यूमिनियम के बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष भी लगाए गए हैं। जुलाई 2018 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। 9,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसके बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। बहुत तेजी से इस पर काम किया गया और 3 वर्ष के अंदर ही इसको तैयार कर लिया गया। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अब इस केंद्र पर सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र का संचालन स्मार्ट सिटी वाराणसी के देखरेख में हो रहा है। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर इंडिया और जापान दोनों देश के बीच में एक फ्रेंडशिप का निशानी है। ये पिछले बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जापान जो बनारस आए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनारस विजिट किए थे, तब ये निर्णय हुआ था बनारस की जनता के लिए, बनारस का कल्चर हेरिटेज, ये जो आर्ट इस फॉर्म का जो निशानी है, एक बहुत बढ़िया सा तोहफा बनारस के लोगों को दिया जाए। तो ये इन्होंने निर्णय लिया है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए। इस तरह का जो स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर बनारस में क्या है, पूरा नॉर्थन इंडिया में बहुत ही कम आपको देखने को मिली है। तो जापानीज गवर्नमेंट ने इसको बहुत ध्यान से एक एक फैसिलिटी को जापान से डिजाइन करते हुए, ये मटेरियल भी काफ़ी मटेरियल जापान से आया है। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पूर्णतः वातानुकूलित इस हॉल में वियतनाम से आयातित आरामदायक कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो प्रयोग न होने पर स्वतः फोल्ड हो जाती हैं। स्टेज के लाइटिंग के लिए 24 चैनल का लाइटिंग कंसोल लगाया गया है, जिससे स्टेज के रंग बिरंगे लाइटों को संचालित किया जाता है। उच्च स्तरीय साउंड सिस्टम के लिए यहाँ 64 और 16 चैनल के 2 ऑडियो मिक्सर लगाए गए हैं। इस अत्याधुनिक बड़े हॉल के अलावा यहाँ 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल भी है, जिसे सुविधानुसार 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक वीआईपी कक्ष भी बना हुआ है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान आने वाले विशिष्ट अतिथि विश्राम कर सकेंगे।
केंद्र की लॉबी में ही आगंतुक स्वागत कक्ष बना हुआ है, जहां से केंद्र के बुकिंग आदि का कार्य किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों के साज सज्जा हेतु अत्याधुनिक स्तर का 4 ग्रीन रूम भी बनाया गया है, जिसमें प्रतिभागी कलाकार तैयार हो सकते हैं। दिव्यांग जनों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। परिसर में सीढ़ी के साथ साथ लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में प्रवेश करते ही परिसर के बाईं ओर जापानी शैली का गार्डन और लैंडस्केपिंग की गई है, जो कि आने वाले अतिथियों के आकर्षण का केंद्र होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया गया है। सुरक्षा कक्ष से ही पूरे परिसर में लगे एसी का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है और पानी की टंकी और पंप का भी पूरा नियंत्रण एक ही जगह से किया जा सकता है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें इस सिस्टम के तहत हम यहाँ से पूरे बिल्डिंग की एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेविंग पर्पस से है, ऑटो में सिस्टम चलता है। और आपका यहाँ से ये वाटर टैंक लेवल ये शो करता है, और ये पंप हमारे लगे हैं जो ऑटो में है। ये जैसे जरा भी आपका टैंक खाली होता है ये फिल कर देता है। परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी इसी कक्ष से की जाती है। इसी रूम में लगे एक एलसीडी पैनल के माध्यम से पूरे परिसर की लाइट ऑन ऑफ की जा सकती है। ये हमारा सिक्योरिटी रूम है, यहाँ से हम लाइटें बंद कर सकते हैं और आपका जला सकते हैं। यहीं एक फायर अलार्म पैनल भी लगा हुआ है, जिससे कहीं भी यदि कोई घटना घटती है तो अलार्म बज जाएगा और यहीं पर लगाए गए पीए सिस्टम से एक संदेश प्रसारित होगा, जिससे परिसर में उपस्थित सभी लोग सुरक्षित निकल सकेंगे। परिसर में अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1000 किलोवाट का जनरेटर लगाया गया है, साथ ही 109 किलोवाट सोलर एनर्जी से भी बिजली प्राप्त की जाती है। पार्किंग की व्यवस्था बेसमेंट में की गई है। इस पार्किंग में एक साथ 120 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। रुद्राक्ष की गैलरी में प्रदर्शित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक साथ चित्र भारत और जापान की अटूट मित्रता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। रुद्राक्ष के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काशी ने रुद्राक्ष धारण कर लिया है, अब काशी और चमकेगी। रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री का ये कथन अवश्य सही होगा जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और काशी के कलाकार अपनी सहभागिता से पूरी दुनिया में काशी का नाम रोशन करेंगे।